इसका नाम है क्रिएटर बबुआ। हाँ। तो बबुआ को हम लोग बेटा बोलते हैं और बेटा का ही शब्द बबुआ है भोजपुरी का। अच्छा। तो सब बच्चा है, सब पत्रकार का वीडियो जो बनाता है, इसका जो बाप था सीमा अख्तर खराब लगता है। मुख्तार अंसारी को घर ले खूब कबाब वबाब खिलाएगा, खूब प्यार वगैरह, जीजा जी आए, जीजा दुल्हा भैया है, और हम जायज सवाल कर दिए इसको तकलीफ हो जाता है। तो अच्छा ये लोग क्या है, ये लोग मऊआ है पटना में, हमको इनकी मौसी है वो श्वेता जी। हाँ। तो श्वेता जी नहीं लिखी वो नहीं। कि उनके पति देव इतनी शालीनता और मोहब्बत से उनके साथ जिंदगी में कभी पेश नहीं आए होंगे जितनी। हाँ। इसका जो बाप था वो जेल में गया हुआ अभी तमिलनाडु में, उसी का चेला है, उसी का पत्रकार को लोग दलाल बोलता है, भड़ुआ बोलता है, गोदी मीडिया बोलता है। और आप वो लोग जहां जहां जाती, ये तो निहायत ही पत्रकारिता का गिरा हुआ, वो चीप वाली मैडम चीप खोज रही है। तो मैडम जी अभी पटना में मौजूद है और हमारे साथ आप देख सकते हैं बिहार के जाने माने पत्रकार सीमा बाई हैं। और पिछले दिनों आप देखे होंगे, पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, टीवी की जानी माने पत्रकार श्वेता सिंह पटना आई थी और उनसे इनका बहस आपने देखा था कुछ बातों को लेकर। उसी बात को जानने के लिए हम पटना आए हुए हैं और भैया हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि उस सवाल पे कुछ जवाब मिल जाए हमें भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी किए थे और कुछ ही लोगों ने आपका विरोध भी किया था। तो उसी पे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने पहले से ही सोच लिया था कि मैडम आई है तो उनसे इस तरह का सवाल ये पूछना है, क्योंकि लाखों लोगों का ये सवाल तो था ही, लेकिन कैसे आपके मन में आया? मसला ये है ना कि सवाल मैडम से पूछने की हिम्मत कोई नहीं जुटा रहा था। जी मैडम जब यहाँ आई तो मैडम को लोग जानता ही है, हालांकि पहले जानता था कि मैडम पत्रकार है, बाद में पता चला कि मैडम किसी पार्टी की प्रवक्ता है। अच्छा। उसको पार्टी की प्रवक्ता ही कहा जा सकता है। कैसे? नहीं है ना, आप देखिए ना कि एक भी उनकी जर्नलिज्म अच्छा। या उनके मीडिया हाउस के लोग या उस तरह के लोग जो भारत के लोगों की बात करते हो, रेल दुर्घटना भी हुई है, एक आदमी नहीं कह रहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, एक भी नहीं कह रहा। ये दिखा रहा कि प्रधानमंत्री धूप में लिखने और निकलने के बाद उनका काफिला यहाँ गया, ये सब पत्रकारिता का गिरता हुआ स्तर है। खैर दूसरा मामला है, मैडम पटना आई थी और हम भी आप लोग जिस तरह हम लोग आप सब लोग रहते हैं फील्ड में काम की तलाश में कि भाई कोई खबर मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, तो ये सारी चीजें थी। और मैं जेडीयू कार्यालय में खड़ा था, मैडम उधर से निकल रही थी। अच्छा। तो सडनली दिमाग में आया कि ये इसी मैडम ने भारत के लोगों को गुमराह किया है। मतलब कोई प्लान नहीं था? नहीं, कोई प्लान नहीं। देखिए आदमी का खूबसूरत होना अलग बात है और उसका झूठा होना दूसरी बात है। मैडम है भी खूबसूरत, सुंदर है, और एशिया में जो भारत में जो मर्द औरत होते हैं वो खूबसूरत होते भी हैं, लेकिन मैडम ने अपनी खूबसूरती के अनुरूप काम नहीं किया है। अच्छा। मैडम ने कहा कि 2000 के नोट में चिप है, जबकि ये काम कहना चाहिए था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर वो चिप होता, प्रधानमंत्री घोषणा कर देते कि हाँ भाई 2000 के नोट का जो नया प्रचलन होने वाला उसमें चिप लगा हुआ है। मैडम ने खुद से ये घोषणा कर दी और अब नोट जो है कब्रिस्तान और शमशान की तरफ जाने वाला है। अच्छा। तो मैडम से हमने पूछा कि मैडम आप चिप वाला जो मामला है चिप बता दीजिए, चिप देखा कि चिप है कहाँ। तो मैडम सबसे पहले जब हमको देखी, अच्छा जो वीडियो है ना उस वीडियो में पहले 30-40 सेकंड पहले का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हम जब मिल रहे हैं उनसे मैडम से बिल्कुल शालीनता से, एकदम जिसको उर्दू में कहा जाता है अदब से मिलना, हमने कहा कि मैडम आपने ये झूठ बोला है, भारत के लोगों से माफी मांग लीजिए, आपको शर्म नहीं आती है? उसके बाद वो रिकॉर्ड शुरू हुआ जो आसपास के लोग खड़े थे वहां बैठे हुए थे। आपके कैमरा से रिकॉर्ड नहीं हुआ था? नहीं नहीं, मेरा आप देखिएगा उसमें कि मोबाइल मेरे हाथ में है। अच्छा। तो हमने मैडम से पूछा कि मैडम आपको शर्म नहीं आती है, भारत के लोगों को आपने गुमराह किया, आप माफी मांग लीजिए। तो मैडम ने हमसे कहा कि आप हैं कौन। हाँ, उनके अंदाज थोड़ा दूसरा था। हाँ, हालांकि हमने बता दिया कि भाई हम पटना के हैं, युवा हैं, बिहार के हैं और संविधान और जो कानून है उसमें यकीन रखते हैं, तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप लोगों को बता दीजिए कि चिप था कि नहीं था। उसके बाद मैडम सीधा मुकर गई। अच्छा। ये मुकरना ही मैडम का जो चेहरा है भारत के लोगों को दिख गया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप का वो सर्कुलेट किया हुआ वीडियो है। उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया इसलिए कि हम प्लान के साथ मैडम के पास गए नहीं थे। अच्छा। अगर उस वक्त ये जो बात बोली है कि व्हाट्सएप पे आया था 45 सेकंड का वीडियो क्लिप काट करके बनाया गया, तो हम तो कहते कि मैडम आपको डूब मरना चाहिए, किसी गटर में जाकर के आप आत्महत्या कर लीजिए, कि इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी इंडिया टुडे ग्रुप आज तक वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलेगा, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आएगा उस मैसेज को पढ़ दीजिएगा। ये तो निहायत ही पत्रकारिता का गिरा हुआ, वो चीप वाली मैडम चीप खोज रही है। तो मैडम तो पहले 2-3 बार उनको लगा ना कि कोई युवा नेता है ही। अच्छा। उनको लगा कि पार्टी कार्यालय है तो युवा नेता है। अच्छा। उसके बाद हमने मैडम से जब ये सवाल लगातार किया तो मैडम बोला कि हमारा माइक नहीं था, आज तक का लोगो नहीं था। हाँ। तो हमने उनसे जवाब यही दिया कि मैडम आपका चेहरा तो था ना। हाँ। जिस चेहरे पे प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे दे वो ये औरत महिला वो झुटला रही हो कि उसमें चिप वाला मामला जो हमारा बयान नहीं था, ये मामला हो गया। उसके बाद मैडम ने कहा कि मैडम, हमने कहा कि ठीक है अगर तोड़ मरोड़ के काट उट करके आपका, अच्छा सबसे बड़ा फैशन क्या हो गया है, किसी नेता का अगर पोर्न वीडियो आ जाता है सोशल मीडिया पर तो वो क्या बोलता है पता, वो बोलता क्या है पता है कि हमारे वीडियो को क्लिप को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, एडिट किया गया है। पत्रकार कभी ये बात बोल ही नहीं सकता, पत्रकार तो खुद एडिट करने में माहिर होता है।
तो मैडम से हमने कहा कि मैडम आप माफी मांग लीजिए, 140 करोड़ लोगों को आपने गुमराह किया है। सो हमको लगता है कि पत्रकारिता का स्तर गिर गया, पत्रकार को लोग दलाल बोलता है, भड़ुआ बोलता है, गोदी मीडिया बोलता है, और आप वो लोग जहां जहां जाती हैं, अंजना जी यहां आई थी वो गए थे, सुधीर जी जहां जाते हैं सब लोगों को मतलब बेइज्जत करता है लोग। तो आप बताइए ना कि बेइज्जती जब होती है, जब बेइज्जती होती है पत्रकारों की, तो लोकतंत्र के लिए तो बहुत समझिए कि घातक कोड़ जैसा बीमारी है। तो हमने मैडम, अच्छा मैडम ने क्या किया कि सवाल को टालने के लिए हमसे हमारा नाम कमाना पूछा। क्या मतलब है? तो मैडम ने नाम इसलिए पूछा होगा, हमको लगता है कि वो सोच रही होगी यादव होगा या आरजेडी का लोग होगा, कुर्मी होगा, जेडीयू का होगा, या इस तरह की ज़हनियत उनके दिमाग में रही होगी। आपका कोई ऐसा मानसा नहीं था कि हम मैडम से इस तरह का सवाल पूछे और फेमस हो जाए? नहीं, मैडम से तो हमको मोहब्बत शुरू से, मैडम को देख करके हम पत्रकारिता शुरू किए थे। हालांकि अब अफसोस हो रहा है, तो हमने मैडम को वही कहा कि मैडम आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, आपने लोगों को गुमराह किया है, भारत के लोगों को, और इस तरह से सारी चीजें, सारा मामला हुआ है। तो मैडम ने हमारा नाम पूछा, नाम पूछने के बाद उनको लगा नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है, वो असल धर्म खोज रही थी। तब उनको लगा, तो वो पूछ रही कि नाम का मीनिंग क्या हुआ, हमने मीनिंग बता दिया। उसके बाद देखिए वो कितनी मोहब्बत से वहां लौट रही हैं, हालांकि उसे बहुत सारा रील्स बना दिया है लड़का सब, जो हम सब जो प्यार करने वाला लोग है भारत से, जो प्यार करने वाला लोग है संविधान से, उन लोगों ने बनाया, खैर वो अलग मामला है। मैडम ने कहा कि ये नाम तो हमने कभी सुना नहीं। आपने सवाल पूछा था, और सवाल पूछना पत्रकार का एक धर्म। आप नहीं, असल बुरा यही लग गया जो कुछ लोग हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, वो ट्वीट करके कहते हैं कि वो आरजेडी के गुंडे थे, इस तरह का। आप देखिए, आदमी को जब सवाल से भागना होता है ना, तो आप इल्जाम लगा देगा। आप बताइए कितनी शालीनता से हमने उनसे सवाल किया है। हमको लगता है, हम दावा कर सकते हैं कि उनके पति देव इतनी शालीनता और मोहब्बत से उनके साथ जिंदगी में कभी पेश नहीं आए होंगे जितनी मोहब्बत से हमने उनसे सवाल किया। जो लोग हमको जानते हैं वो जानते हैं कि इतनी शालीनता इस आदमी में नहीं है। दोस्त यार में बात होती है तो हम इतना मतलब बहुत आदब और तहजीब से बात नहीं करते हैं। तो हमने वही मैडम को सीधा एकदम नॉर्मल पूछा था कि मैडम आप बताइए ऐसा ऐसा मामला है। मैडम असर हो गई बेबस। मैडम पूरे भारत में एक्सपोज हो गई। अच्छा ये सवाल देखिए, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, हमारा कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन उस पर्सनालिटी को लोगों ने इसलिए बढ़ा दिया कि ये लोगों का सवाल था, लोग ये जानना चाहते थे कि मैडम बताइए। अच्छा क्या होता है कि कोई घटना घटती है तो पत्रकार और पुलिस के बीच अगर किसी खबर उबर को लेकर के कोई मामला हो गया तो ये सारी चीजें अलग मामला, चलो भाई खबर गलत है तो उसको हटा दिया। लेकिन जो सवाल भारत के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हो, जिस नोट में चिप बता रही हो, जिस भारत की सरकारी गाड़ियों में जीपीएस नहीं लग सकता है, उस देश के करेंसी में रुपया में चिप लग जाएगा, ये बेहूदी बात है कि नहीं है? चाइना और जापान आज तक नहीं लगा पाया। मैडम कहती है कि बिस्तर के नीचे रहेगा, जमीन के अंदर रहेगा, खेत में, खलियान में नैनो चिप है, वो बता देगा कि 2000 रुपया के में, यानी बेहूदगी, जहालत, इसको जाहिलियत बोलते हैं। ये सारा मामला हो गया। हो जाने के बाद ये जब नोएडा गई हैं, तो नोएडा जाने के बाद वहां से भी दबाव बनाने का प्रयास किया हमारे ऊपर इन्होंने, बजाता ट्वीट किया है, और वो एक दूसरा मामला है। 24 घंटे के बाद इनको मशवरा दिया लोगों ने। हालांकि मैडम बहुत अच्छी हैं, दिल की, दिमाग की, सुंदर भी हैं, सारी चीजें हैं, कोई उनको भड़का रहा है मेरे खिलाफ। अच्छा। तो वो जाकर के बोल रही है कि बिहार के, मैं बिहार की बेटी हूँ, तो हम क्या, हम काठमांडू के बेटा है, हम भी तो बिहार के बेटा है। तो ये सब जो है, ये सब नौटंकी उटंकी उनका चला। और भारत के लोग, हमको लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखा इन सारी चीजों को, ये सारा मामला देखा उन्होंने। जो प्रधानमंत्री दावा नहीं ना किए चीप के बारे में, प्रधानमंत्री छोटी छोटी योजना की घोषणा करते हैं तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये योजना भारत के लोगों के लिए फायदेमंद है, और 2000 का नोट जब जारी किया तो प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए थी, ये आरबीआई अपनी तरफ से करता कि हाँ भाई इसमें चिप है। अभी कोई पत्रकार अपने से दलाली का घंटी गर्दन में बांध ले और वो कहे कि हाँ भैया इसमें चिप है, तो हमने मैडम को कहा कि आपकी इज्जत जो चली गई है, जो लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं, वो वापस आ जाएगी, हमारी बात मान लीजिए, आप भारत के लोगों से ऐसे हाथ जोड़िए। अब बोलिए कि चीप वाला जो बात था बहुत चीप था, गिरा हुआ था, हम कह दिए थे, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। अब बताए नहीं, नोटवे खत्म हो गया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने खत्म कर दिया, तो मैडम को माफी मांग लेनी चाहिए, सवाल यही था। लेकिन मैडम बेचारी थोड़ी सी, अच्छा उसमें देखिए वीडियो में कि वो मेरे सवाल से घबरा गई, पहली बार भारत की इतिहास में किसी एक आम व्यक्ति ने गोदी मीडिया से ये सवाल किया है, ये सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया। बात सही है। अच्छा जो लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को कमेंट में जाकर के देखिए आप, उसी को, उसका जो सब्सक्राइबर है वही उसको गाली दे रहा है कि रे बेहुदा तुम क्या पूछ रहा हो, तो सवाल सही पूछा उस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति से सवाल पूछा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है बिहार की बेटी श्वेता सिंह से बदतमीजी किया लंपट पत्रकार, इसका नाम है क्रिएटर बबुआ। तो बबुआ को हम लोग बेटा बोलते हैं, और बेटा का ही शब्द बबुआ है भोजपुरी का। अच्छा। तो ये सब बच्चा है, ये सब पत्रकार वीडियो बनाता है, इसका जो बाप था वो जेल में गया हुआ अभी तमिलनाडु में, उसी का चेला है, उसी का ये सब धोता उता था। तो ये सोच रहा है कि इसका तो रिलेशन खानदानी पुराना मुगल दौर से रहा है, ये लोग वहां भी जाकर के रुपया पैसा, रुपया पैसा कमाया है इसका खर खानदान पहले भी वहां मुगल
के दरबार में औरंगजेब के यहाँ और इनके यहाँ शाहजहां के यहाँ इन सब के यहाँ ये लोग जाकर के बैठा दरबारी करता था। तो अभी देखा कि सीमा ने सवाल कर दिया इतनी शालीनता से, तो इस सवाल पूछने के बदले में इनको जो बुरा, अच्छा इनकी मौसी है वो श्वेता जी, तो श्वेता जी नहीं लिखी वो नहीं लिखी क्या? अच्छा आप वीडियो में देखिए ना कि हम बदतमीजी करने का सवाल ही नहीं है, हम बदतमीजी कर ही नहीं सकते हैं। जिस भारत में महिला को लोग बड़ी इज्जत सम्मान देते हो, घर की महिला या रोड पर या सड़क पर किसी समाज की महिला हो, उनकी इज्जत तो जरूरी है, करना ही चाहिए, महिला का इंसान की इज्जत करनी चाहिए। तो इस चोट्टा को मौका नहीं मिला, तो इस चोट्टा जब वीडियो बनाया तो इसकी वीडियो में कई हजार कमेंट है, सब इसी को गाली दे रहा है, पूरा कमेंट सामने भी पड़ा है। हाँ, इसकी माँ बहन को गाली दे रहा है, भागा हुआ है। मैडम तो खैर जिस दिन यहाँ आई थी पटना, तो मैडम ने अपना जो वीडियो उनको बनाना था, शूट करना था, वो सारा उनका जो सिस्टम था आधार में लग गया, वो सारा प्रोजेक्ट उनका खत्म हो गया। वो आई थी अपना कोई भी रहा होगा उनका प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो गई है तो अब डर से कि शर्म से कैमरा के सामने नहीं आ रही है। हमको लगता है कि भारत के किसी कोने में जाएंगे। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें कि मैडम को हमने मशहूर कर दिया है। अच्छा आपने मशहूर, मैडम सीमाब की वजह से मशहूर हो गई। अब मैडम कहीं भी जाएंगे तो सब लोग यही बोलेंगे कि देखिए सीमाब वाली मैडम आ गई। अच्छा। यानी चीप वाली मैडम जो टीवी के जानी मानी पत्रकार है, पत्रकार है तो सवाल यही नहीं हुआ कि एक नॉर्मल यूट्यूबर है। अच्छा। पटना में रहता है, उसका दायरा कम है। हाँ। वो उस मैडम से पूछ रहा है कि मैडम आपने झूठ बोला क्या है, और इस झूठ को छुपाने के लिए दो मिनट में उस महिला ने तीन झूठ बोल दिया कि हमने बोला नहीं, मेरा लोगो नहीं लगा हुआ था वीडियो का। अच्छा अल्ट न्यूज के संस्थापक है मोहम्मद जुबैर, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं, वो फैक्ट न्यूज चेक करते हैं कि जो लोग अफवाह फैलाते हैं, इधर उधर भ्रम फैलाते हैं। तो उस अल्ट न्यूज के जुबैर ने मैडम को और आज तक को चैलेंज किया कि वो लड़का सीमाब जो आपके बारे में कह रहा है कि आपने बोला चीप के बारे में, और मैडम कह रही कि नहीं 45 सेकंड का कटा हुआ वीडियो है, तो उन्होंने कहा कि आप 40 मिनट का जो पूरा वीडियो है वो सीमाब के मुंह पे मार दीजिए, आप बोल दीजिए कि हाँ ये वाला वीडियो था। तो उस चैलेंज को कबूल नहीं किया ना मैडम ने किया ना उसने कहा। मैडम बोल दिया कि गुंडागर्दी कर रहा है। ए बताइए बताइए मैडम, इतना सब कुछ होने के बाद इतना इज्जत आबरू से हम आपके साथ पेश आए, और दोबारा आइएगा ना मैडम तो आप दूसरा सवाल रहेगा। चीप तो हमको चाहिए हर हाल में मैडम से, जहाँ जहाँ मुलाकात होगी मैडम से हमको। हाँ। या एक और है, रुमाना इशार रुमाना खान एबीपी न्यूज की। अच्छा। वो मशीनवा में डाल करके जो है चीप चेक कर रही थी। उसके अलावा एक तो सुधीर चौधरी है। हाँ। हाँ, तो सुधीर चौधरी आएंगे यहाँ तो बोलेंगे कि सुधीर भैया आप भी तो बड़ा झूठ बोले हैं। वो अभी रात में देख रहे हैं कौन तो गेम जिहाद चला रहा था। अच्छा। बताइए पत्रकार सब एकदम बेहुदा चुट्टा हो गया इस देश में। मेरे वीडियो में कमेंट था कि दीपू अपना जात के प्रेम में ही, और अक्सर जो सवाल पूछा वो समीकरण के चक्कर में है। नहीं आप बताइए, पटना जो है वो सियासत की सबसे बड़ी जमीन है, यहाँ पर हर तरह के नेता आता है। मेरे जैसा आदमी आरजेडी के सबसे सीनियर नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, ब्रांड है वो आदमी। हाँ। मैंने उस आदमी को आरजेडी कार्यालय में घेर लिया था जब उन्होंने ये बयान दिया था कि देश रहने लायक नहीं है। हमने अपने बेटी और बेटा को कहा कि तुम लंदन में बस जाओ, और मैंने उनसे सवाल किया था और वो मेरा माइक पकड़ के झटक दिया था उन्होंने, और पूरे भारत में इस बात की चर्चा हुई थी। वो मेरी रिपोर्ट थी, मेरा इसके लिए बेहुदा सब छोटा सा सब जो इसको बोलते हैं चेंगड़ा ग्रुप, समीकरण का चक्कर, ये चेंगड़ा ग्रुप है। देखिए मामला यह है कि अगर ऑफर मिलेगा ना तो हमारे जैसा लोग से घर में शादी करा देगा। अच्छा। इसकी नस्ल का यही कारनामा रहा है। शाहनवाज हुसैन इसको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। और सीमा अख्तर खराब लगता है। मुख्तार अंसारी को घर ले आए, खूब कबाब वबाब खिलाएगा, खूब प्यार वगैरह, जीजा जी हैं, जीजा दूल्हा भैया हैं, दूल्हा भैया हैं। हाँ। और हम जायज सवाल कर दिए तो इसको तकलीफ हो जाता है। तो अच्छा ये लोग क्या है, ये लोग मऊआ है। पटना में हमको कहीं पर देखता है ना तो मुंह पर गमछा बांधेगा और फर से भाग जाता है। हम लोग तो लड़ाई करने वाले लोग हैं नहीं, हम तो कलम से सरकलम कर देंगे।